इस साल ख़वातीन के जो आलमी दिन की थीम है वो ये है कि हम लोग विमेन इन लीडरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं. और क्यों? इसलिए क्योंकि हम सब ख़वातीन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल फ्यूचर चाहते हैं इन अ कोविड 19 वर्ल्ड जिसने हमारी दुनिया के नक्शे को काइंड ऑफ तब्दील कर दिया है. ये आज इस साल के ख़वातीन के आलमी दिन की थीम है. हमारे अगले मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया है. हमारे साथ हैं हदील साहल अलबलूशी. I said it right. मुझे इस वक्त हाई फाइव देने का दिल चाह रहा है आपको. है ना? I always call you Hadil and you know like I stop there because Sahal Al Balushi. है ना? It's fine. Assalamu alaikum and happy Women's Day. Happy Women's Day to you too. उसके साथ हमारे साथ हैं ताहिरा यूसुफ जो कि एक amazing किस्म की हैवी बाइकर हैं और स्टंट गर्ल हैं. ऐसे ही है? बिल्कुल. और हदील जो हैं टीवी होस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑनलाइन बिजनेस रन करती हैं. ऐसे ही है? यार हदील मुझे ये बताएं, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट वीमेन एंड वी टॉकिंग अबाउट अचीविंग यू नो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे फ्यूचर के अंदर, हमें ख़वातीन के लिए वही अपॉर्चुनिटीज चाहिए जो कि मर्द हजरात के पास होती हैं. मुझे बताइए कि इस वीमेंस डे पर आप किस तरह वीमेन को एम्पावर्ड देखना चाहती हैं? See, first of all, I really want to tell कि if I talk about my platform culture online, तो what we do कि हमारे जितने भी बलूचिस्तान में दूर दराज के इलाके हैं या के पी के में या इंटीरियर सिंध या पंजाब, तो what we do कि जितने भी वहाँ पर वर्किंग वुमेन हैं जो सिलाई कढ़ाई एंड ऑल दैट दे डू एंड दे आर वेरी गुड इन मेकिंग ज्वेलरीज और एनी थिंग विच इज़ हैंडमेड, सो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको एम्पावर्ड करें. वी गिव दैम अ प्लेटफॉर्म, वी बाय their products. Usually ये होता है कि वो बहुत सारे fashion designers उनसे contact करते हैं but they don't give them that amount which they deserve. तो through our platform what we do कि हम कोशिश करते हैं कि उनको financially भी हम stable करें और हम उनके business को भी आगे ले जाएँ and हम उनको empowered करें. So that what I want to continue in future कि this is the only way where I think कि I can help them out and help myself as well. आप कितने सारे मतलब ख़वातीन का I'm sure इसकी वजह से you know future क्या उनके अगले जेनरेशन के अंदर यू नो जहन के अंदर सोचों के अंदर कितनी तब्दीली आती होगी इस बात से? बिकॉज बहुत सारी ख़वातीन हैं दूर दराज के इलाकों में जो बाहर नहीं निकल सकती, उनको इजाज़त नहीं है, तो वो घर बैठ के काम कर रहे होते हैं. तो आई बिलीव कि एक ये तरीका है उनको एम्पावर्ड करने का, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम लोग सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वी कैन हेल्प देम टू बी एम्पावर्ड. घर बैठे बैठे दे आर मेकिंग ब्यूटिफुल ड्रेसेस, हैंडमेड शूज, ज्वेलरीज, एक्सेसरीज, तो हम अगर उनसे परचेज करते हैं और उनको फिर एक जायज अमाउंट देते हैं. मेरे ख्याल में आपने बड़ी एक वैलिड बात कही है, ख़वातीन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक्चुअली पहला कदम होता है वेरी अपनी इमोशनल अपने सेल्फ को रियलाइज करने का, सेल्फ वर्थ को रियलाइज करने का, क्योंकि आप डिपेंडेंसी और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपकी थोड़ी सी भी अगर कम होती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो मैंने यू नो कुछ फतह कर लिया. एंड इट्स ट्रू, ये ऐसी ही है कि आप यू नो आप अपने घर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए किताबें ले सकते हैं, यू नो कुछ भी कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि दे वांट कि यू नो वो मर्दों के बराबर आने वाला वो, इट्स नॉट दैट फार्मूला. इट्स दैट कि अगर उनको चार पैसे मिल जाते हैं तो वो अपने हस्बैंड की ही हेल्प कर रहे होते हैं, अपने फादर की हेल्प कर रहे होते हैं, अपने बेटों की हेल्प कर रहे होते हैं, उस घर को चलाने में हेल्प कर रहे होते हैं. तो वी शुड नॉट थिंक नेगेटिव ऑल द टाइम कि यूजुअली ये होता है कि गर्ल वॉन्ट टू गेट एजुकेशन, अगर वो पढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, अगर आपकी बीवी निकलना चाहती है, वो काम करना चाहती है, तो सोसाइटी उसको नेगेटिव ले जाती है, खासकर इन दूर दराज इलाकों में, जैसे कि मे बी ये हमारे बराबर आना चाहती है, यू नो ऑल दैट. आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट इन एक्चुअली शी जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट द फैमिली. एब्सोल्युटली. अच्छा मुझे ताहिरा आप ये बताएं कि आपके ये जो एडवेंचर्स थे मोटरसाइकिलिंग एडवेंचर्स, ये कैसे शुरू हुए? मुझे बचपन से यूनिक काम करने का शौक़ था और लड़कों जैसे काम करने का, तो मैंने सोचा क्यों ना जब लड़का बाइक चलाता है तो लड़की पीछे बैठी होती है तो क्यों ना मुझे भी चलानी चाहिए. और फिर मैंने बाइक चलाना शुरू की. स्टार्ट मैंने 70cc लिया लेकिन अब मैं 1800 हार्ले आराम से चला लेती हूँ. वाह भाई, और आपकी मतलब 1800 हार्ले, दोस्तों आप लोगों को बताती चलूँ, ठीक ठाक बारी होती है, मतलब उसकी तबीयत साफ हो जाती है, मुझसे तो खड़ी भी नहीं होती, किक विक तो बहुत दूर की बात है. ताहिरा भी एक बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं टू हेल्प गर्ल्स एंड वेमेन, वो क्या है ताहिरा, हम आपसे सुनना चाहते हैं. जी हाँ, मैं एक स्कूल रन कर रही हूँ जिसका नेम है सिंध राइडर्स.
और मुझसे वो गर्ल्स भी सीख सकती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती मोटरसाइकिल चलाना। और इसको इस स्कूल को तकरीबन अभी रिसेंटली मैंने ओपन किया है, लेकिन मैं बाइक जो चला रही हूँ वो 3 इयर्स हो गए हैं। आपको 3 इयर्स हो गए हैं बाइक चलाते हुए। आपने अगर आपके स्कूल में किसी को अपने आप को एनरोल करना है तो कोई फेसबुक पेज है? टेन राइडर्स के नाम से FB पेज है, और मेरा खुद का जो है ताहिरा यूसुफ स्टर्न गर्ल के नेम से है। ओके तो हम आपसे कांटेक्ट खवातीन कांटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर मैं भी मोटरसाइकिल चलाना चाहती हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी मोटरसाइकिल चलाऊँ और मतलब ठीक से चलाऊँ अपने आप को गिराए शराए बगैर। ये आप देख सकते हैं, दैट्स ताहिरा राइडिंग दिस जायंट मोटरसाइकिल। ताहिरा ये कौन सा मोटरसाइकिल है? ये है जिक्सर। जिक्सर 750 cc। और भारी होता है? डेफिनेट। आपका तो वेट खुद का थोड़ा सा कम सा लग रहा है, तो ये कैसे? हर कोई ये क्वेश्चन करता है, लेकिन बस चला ली, शौक था ना इसलिए। अच्छा वो भारी नहीं लगता जब उस? भारी तो बहुत लगता है। भारी है? बहुत ज्यादा। अच्छा सॉलिड है ना, मतलब हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि जब अच्छा खड़ा करना होता है और जब वो मतलब वो अपने स्टैंड से उतर के सीधा होता है तो बंदा पहले अपने आप को छंटता है। ठीक है, सही है, बट लुक वी हैव पावर, वी कैन डू दिस। अच्छा मुझे एक बात, करेज, आई नीड करेज, है ना। मैं और हदील हम लोग जा रहे हैं, तो मतलब हम ताहिरा के जा रहे हैं फॉर श्योर सीखने के लिए, इंशाल्लाह। अच्छा जब आप मोटरसाइकिल पे होती हैं तो क्या यू नो स्पेशली हैवी बाइक पे होती हैं कि लोग कुछ कहते हैं कोई रोड पे गुजरता हुआ? हाँ उनके तो ऐसे मतलब बोलने से पहले एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जैसे कोई खिलाई मखलूक जा रही हो। लेकिन अप्रिशिएट करते हैं लोग मुझे। हाँ पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, और फिर मैं और तो कुछ नहीं है, ये है कि कुछ लोग कहते हैं हमें भी सिखा दो। ताहिरा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपके लिए विमेंस डे के ऊपर आप क्या ऐसी चेंज है जो कि ला सकती हैं सोसाइटी में, लोगों की सोचों के अंदर, ख्वातीन की सोच के अंदर स्पेशली, कोई एक ऐसी चीज़? मैं तो ये कहूँगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव पीपल दोनों इस माशरे में हैं, तो हमें ख़ुद को देखना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं अपने आप को इनक्रेज। तो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट कर, मैं बेसिकली वुमेन एम्पावर कर रही हूँ कि लड़कियों को बाइक चलानी चाहिए। जो लोग कहते हैं, लड़के कहते हैं कि गर्ल्स नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोग कर सकते हो तो गर्ल्स क्यों नहीं कर सकती? एब्सोल्युटली, डेफिनेटली गर्ल्स भी कर सकती हैं, आप एटलीस्ट उनको अलाउ तो करें, और ट्रस्ट ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। एब्सोल्युटली आई एग्री। और हदील आप मुझे ये बताएं कि आप ऑब्वियसली आप भी बहुत सारा काम कर रही हैं, ख्वातीन के लिए बहुत काम कर रही हैं, आपके ख्याल में क्या ऐसा चेंज है जो सोसाइटी में आना चाहिए जिससे ख्वातीन एम्पावर होंगी? आई थिंक सबसे पहले हम ख्वातीन को ही एक दूसरे के साथ यूनाइट होने की अशद सख्त ज़रूरत है, है ना। बिकॉज मैंने कल ही एक स्टेटस लगाया, तो मैंने उसमें कहा कि मैंने बहुत सारी हाउसवाइफ्स को देखा है कि दे डू अ लॉट ऑफ गॉसिप्स अबाउट देयर इन-लॉज, बट उससे ज़्यादा मैंने वर्क प्लेस पे देखा है कोलीग्स के बारे में आप बैठ के गॉसिप्स कर रहे हो। तो दिस इज़ द मेन थिंग, हम पहले मर्दों को ब्लेम करने से पहले दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम ये देखें कि आर वी यूनाइटेड टुगेदर। तो इस चेंज का आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी हमें एक लाइन मिल गई है, एक यू कैन से ट्रेडमार्क मिल गया कि मर्द ज़ालिम है, मर्द यू नो दे डोंट गिव द राइट्स, दे डोंट बिलीव ऑन इक्वालिटी, दे डोंट बिलीव ऑन जेंडर इक्वालिटी, तो हम बस बैठ के उन्हीं को ब्लेम करते हैं। बट इन एक्चुअली व्हाट आई नोटिस के ख्वातीन का सपोर्ट कम होता है, दे डोंट सपोर्ट ईच अदर। एब्सोल्युटली, ख्वातीन को अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया है, तो हदील और ताहिरा आप दोनों से जाते जाते एक मैसेज फॉर ऑल द लेडीज टुडे। माय मैसेज इज़ वेरी सिंपल कि देखिए जो आपके मेंटोर्स होते हैं, लाइक आई ऑलवेज फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ माय पेरेंट्स एंड द मेंटोर्स, स्पेशली जो मेरे टीचर्स हैं, तो आई कैन से लाउडली कि आज जो कुछ भी हूँ इसके पीछे मेरे टीचर्स का बहुत हाथ है। तो आई बिलीव कि आप अपने मेंटोर्स को कभी ना भूलें लाइफ में। If you want to be successful, you should be always in touch with your mentors. And ye nahi ki aapne unse sikha, you got trained and uske baad tata bye bye. It should not be like that. You should be always thankful to your mentors wherever you are today. That's it. That's amazing. Ji Tahira, I am here just because of my mom and my family. Kyunki unhone mujhe support kiya aur main yahan par hu,
और टीचर्स को नहीं भूलना चाहिए, ये आपकी बात बहुत अच्छी है, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से हम इतना स्ट्रगल भी करते हैं और आगे पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए और ये है कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच ताहिरा, थैंक यू सो मच अदील आपके आने का।